वो जो मेरे दिल में है वो किस्मत में नहीं, और जो किस्मत में है वो दिल में नहीं। मगर मुझे अब ख्वाबों से निकल के हकीकत में आना होगा। मेरा नसीब जिससे जुड़ने जा रहा है अब उसके लिए मुझे अपने दिल में जगह बनानी होगी। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहां छू सकी कोई ना। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, बेपनाह, बेपनाह। लेकिन क्या जबरदस्ती किसी के लिए दिल में जगह बन सकती है? गुल, गुल, ओह गुल, तुम कितनी बोर हो। आज तुम्हारी मंगनी है और तुम ऐसे ये डायरी पकड़ के खड़ी हो क्यों? बस वो। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, देखी हैं तुमने? कहाँ, मैं कहाँ देख सकती हूँ पिक्चर्स, मेरे पास नहीं है। ओह हाँ, वो नोफल के पास है, नोफल ने ली थी पिक्चर्स, पता है तुम्हें? तुम लोग यहाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये देखो। क्यों, कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं तुम्हारी, देखो। मंगनी मेरी नहीं, गुल की थी, नोफल उसकी पिक्चर्स लेनी थी। हाँ उसकी पिक्चर्स भी ली हैं, मगर पहले तुम तो देखो, ये देखो। तुम्हें हासिल करना मुश्किल तो है, मगर तुम जैसी हसीन लड़की के लिए तो हर मुश्किल कबूल है। तुम्हें हासिल करना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अगर इसने मॉम को बता दिया तो मेरा बना बनाया गेम खराब हो जाएगा। हाय सारा। यार तुम कहाँ गायब हो? यार मैं इस्लामाबाद गई हुई थी अपनी खाला के पास, क्लासेस से ऑफ था, मैंने सोचा खाला के पास चली जाऊं। कम ऑन यार, फोन तो कर सकती थी ना। आई एम सो सॉरी यार, वहां पे तुम्हें पता है मेरा पूरा ननियाल है, मिलने मिलाने में वक्त ही नहीं मिला। ओके तुम ऐसा करो ना, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, लंच करते हैं साथ में, तुम पिक कर लेना मुझे। बहुत मुश्किल है सारा, क्योंकि मैं खुद शहर से बाहर हूँ। तुम यूनि क्यों जाओगी? यार एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है ना, सोचा ले लूँ। चलो तुम फिर जब भी आओ मुझे बता देना, फिर मिलते हैं। बाय। हाय मॉम। हाय बेटा। अच्छा सुनो, कल हिबा आ रही है, तुम एयरपोर्ट चलोगी साथ में? आई एम सो सॉरी मॉम, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन डिनर जरूर करना है, बहुत दिनों बाद आ रही है, ठीक है ना? श्योर श्योर। ओके।